जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई ताजी वीडियो लेकर हाजिर है। इस वीडियो में डिवोशनल पॉइंट श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी ताजा नजारे की वीडियो के साथ साथ ताजा नजारे की जानकारी भी लेकर आया, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ट्रैवलर बास्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ पर नौ देवी मंदिर की बहुत अद्भुत वीडियो नहीं देखी है, जिस मंदिर में माँ वैष्णो के नौ रूपी पिंडी दर्शन आप कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपके स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आप भवन पर स्थित रसायन गुफा की वो अद्भुत वीडियो अभी तक नहीं देख पाए हैं, जहां पर एक राम पत्थर तैरता हुआ आपको दिखता है और वो गुफा भवन से 3 किलोमीटर नीचे घाटी में स्थित है, तो इस वीडियो को देखने के लिए भी हमारे नए चैनल पर जाना कतई ना भूले। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं क्या है ताजा जानकारी यात्रा से जुड़ी। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर अब फिर से वैसा ही माहौल बन रहा है जैसा हमें पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। भक्तों की संख्या इतनी ना के बराबर हो गई है कि यात्रा पर स्थित जितनी भी दुकानें हैं उन सभी को बंद करना पड़ रहा है। व्यापारियों का यही कहना है कि भक्तों की ना की संख्या आने की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भक्तों को ना आना कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि फिलहाल कोरोना महामारी से बचना भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भक्तों के आने के लिए भी कहीं ना कहीं संकट पैदा हो गया है। पूरे जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति जो कि जम्मू कश्मीर में रहता है वो कतई भी बाहर नहीं निकल सकता है। प्रशासन के दिए गए समय अनुसार ही वो बाहर निकलकर कुछ जरूरी साजो सामान खरीद सकते हैं। वहीं हालांकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को प्रशासन द्वारा कतई भी नहीं रोका जा रहा है यात्रा करने से। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं इस कोरोना महामारी में भी, तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना होगा कि आपको यात्रा पर श्री माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से बुक करनी होगी ऑनलाइन ही, क्योंकि इस समय यात्रा पर्ची केंद्र भी पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। अगर आपके पास यात्रा पर्ची होगी तो प्रशासन आपको यात्रा करने से कतई भी नहीं रोक सकता है, कटरा या फिर जम्मू में आने से कतई भी नहीं रोक सकता है। अगर यात्रा पर्ची आपके पास नहीं होगी तो आपको कतई भी यात्रा करने नहीं दी जाएगी, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा पर्ची ही आपका कोरोना कर्फ्यू पास माना जाएगा जम्मू कश्मीर में। आप यात्रा पर्ची या तो मोबाइल में सेव कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट लेकर भी आ सकते हैं, दोनों तरीके से यात्रा पर्ची मान्य मानी जाएगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को कटरा में होटल की सुविधाएं भी थोड़ी बहुत मिल पा रही हैं। हालांकि हर एक होटल यात्री के लिए नहीं खुला है, ज्यादातर होटल मालिकों ने अपने होटल बंद कर दिए कोरोना महामारी के चलते। वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले ऐसे भक्त जो कि कटरा में रुक रहे हैं, तो उनको खाने को लेकर भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफी लिमिटेड सुविधाएं यात्रियों को मिल पा रही है खाने और रुकने को लेकर कटरा में, तो कहीं ना कहीं कटरा में आने पर भी आपको थोड़ी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ सकता है। कुछ ऐसा नजारा ही कटरा में देखने के लिए मिल रहा है। यात्रियों की कम संख्या के चलते कटरा मार्केट एसोसिएशन को भी करोड़ों का नुकसान डेली उठाना पड़ रहा है। एसोसिएशन का यही कहना है कि पिछले साल का नुकसान की भरपाई भी अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं 2021 में भी उनको वापस वैसा ही नुकसान फिर से झेलना पड़ रहा है यात्रियों की कम संख्या आने की वजह से। प्रशासन की तरफ से कोई भी ढील नहीं दी जा रही है, दुकानों को प्रतिदिन नहीं खोला जा रहा है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही कटरा में स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है, वो भी कुछ देर के लिए ही। वहीं जरूरी साजो सामान की दुकानें प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए खोली जा रही हैं। वहीं आप सही भक्त जो सामने नजारा देख रहे हैं, कटरा चौक का अद्भुत नजारा है, जहां पर भक्तों की संख्या पहले हजारों में यहां पर देखी जाया करती थी, भक्तों की भीड़ देखी जाया करती थी, लोग खरीदारी करने आया करते थे, अब वैसा मंजर कतई भी नहीं है। यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, भक्तों की भारी कमी यहां पर भी देखी जा सकती है। तो अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने का विचार बना रहे हैं तो पहले इस दृश्य को जरूर देखें, उसके बाद अपना विचार जरूर बनाएं यात्रा पर आने का। वहीं हाल ही में भारतीय रेलवे की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले भक्तों को बड़ा झटका देते हुए रेलवे ने 8 से 9 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था, जिसमें वंदे भारत, श्री शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति जैसी बड़ी ट्रेनें शामिल थीं। भारतीय रेलवे ने पूरे देश में लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया है, जिस प्रक्रिया को अभी भी भारतीय रेलवे जारी रखे है, यानी कि और भी ट्रेनें अभी कैंसिल होनी है। रेलवे का सिर्फ एक ही तर्क है, क्योंकि यात्रियों की संख्या ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर रही है, यानी कि यात्री ट्रेन में ट्रेवल कर ही नहीं रहे, तो ट्रेनों को खाली चलाना भी कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत बड़ा लॉस भारतीय रेलवे बता रहा है, और इसी कारण ट्रेनों को कैंसिल भी कर रहा है। उम्मीद करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दिखाना कतई भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना भी ना भूले। वहीं अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना नई और ताजा तस्वीरें प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।